मुझे बताओ धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अरे ऐसे नहीं वो चलता भाई, जोर से बोलो, जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मोदी जी ने धारा 370 हटाई, धारा 35 से हटाई, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? अबे कांग्रेस वालों को पेट में क्या दुखता है भाई? मोदी जी धारा 370 को हटाने के लिए बिल लेकर आए, वोटिंग हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ वोट, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके खिलाफ वोट। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आप जब झारखंड में आए स्पष्टता करिए आप धारा 370 हटाने के पक्ष में है या विरोध में? उन्होंने स्पष्टता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मित्र, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, राहुल गांधी विरोध करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, प्रमाण मांगते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे 2000 नारे लगते हैं, वो जाकर समर्थन में खड़े। अब तय कर लो, बता दो देश की जनता को कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 नहीं रहनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड आज का नहीं है। 1950 से हम कहते हैं, जब से 370 बनी तब से कहते हैं कि धारा 370 देश की एकता और अखंडता के लिए घातक, इसको हटाना चाहिए, और मोदी जी ने हटाया ये विरोध। मैं इनको याद कराना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसको पार्टियों की दलों की राजनीति से ऊपर उठकर देश के मामले नाते देख रहे थे। इंदिरा जी ने बांग्लादेश की लड़ाई जीती, बांग्लादेश का सर्जन हुआ, हमने इंदिरा जी का विरोध नहीं किया। संसद में हमारे नेता अटल जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया, हम भी विपक्ष में थे। जब संसद यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, नरसिम्हा राव ने कहा अटल जी आप जाइए, भारत का पक्ष यूएन में रखिए। अटल जी ने सहर्ष स्वीकार किया, यूएन में गए और कश्मीर मुद्दे पर हमारा पक्ष रखा। जब देश के मामले आते तब पक्षापक्षी नहीं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा के मामलों पर एक साथ आना होता है। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आप जब झारखंड महाराष्ट्र हरियाणा में मतदाताओं को मिलने जाइए तब ये जरूर बताइएगा कि आप धारा 370 हटाने के साथ में या खिलाफ। मैं आज झारखंड की जनता को कहने आया, मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाकर पाकिस्तान को अपनी जगह दिखाने का काम किया, और देश की संसद के अंदर डंके की चोट पर मोदी जी ने तय कर दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। मित्रों, झारखंड की जनता ने तय किया है, मोदी जी जो धारा 370 और 35 से हटाए हैं उनके साथ रहना है या धारा 370 जिनको चाहिए उनके साथ रहना है।